बारहसिंगा खड़ा हुआ, बारहसिंगा। ये पूरा हरिद्वार का फॉरेस्ट है, रात के बज रहे हैं इस समय 12:18 और ये देखिए बारहसिंगा का लाइव, ये देखिए क्लीन शॉट बारहसिंगा का। एक शॉट अभी मुझसे मिस हो चुका है बारहसिंगा का, बट आई कैन नॉट मिस दिस शॉट। जाकर भाई थोड़ी आगे लो, आई वॉन्ट हिम टू लुक इन टू माई जा। उठ जाओ भाई साहब, उठ जाओ। निक्कर में चलूं? हाँ तो निक्कर में चल लो, आपको कौन सा किसी में देखना है। रेडी हो? हैं? रेडी हो? चलो चलो आ जाओ। मैं सोच रहा हूँ जींस वींस पहनूँ। अरे तुमने कौन सा डेट पे जाना है? क्या पता जाना पड़ जाए यार, कोई लड़की मिल जाने वाले मिल जा रहे हैं। अच्छा चलो फिर। अरे ना हैप्पी बर्थडे, आप तो खिंचवाओ। हैप्पी बर्थडे पार्टी। आ जाओ सागर भाई, आरती हैप्पी बर्थडे मिलाना। फूक तो मार दो भाई, कुछ विश मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सागर शर्मा। हाय गाइस, वेलकम टू ट्रिपिंग विद वरुण। तो सीन अभी का ये है, अभी मैं हूँ हरिद्वार में और आज है सागर का बर्थडे। तो प्लान था हमारा सुबह ऋषिकेश जाने का, बट ऋषिकेश के रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और संडे है आज, 4 से 5 घंटे का ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा बाहर से क्राउड आ रहा था। तो हमने अपना प्लान चेंज करके हम हरिद्वार आ गए थे। हरिद्वार में सागर की बुआ जी का घर है, तो वहाँ पे हमने जो है इवनिंग स्नैक्स लिए अपने और उसके बाद हम आ गए हैं बाहर। तो टाइम हो रहा है अभी 6:53। तो अभी मैं जिस एरिया में हूँ एग्जैक्टली, उस एरिया का नाम है भेल, सुना होगा आप लोगों ने, BHEL। तो ऋषिकेश का प्लान था हमारा कैफेज़ में थोड़ा हैंगआउट करने का, बाकी वो तो पॉसिबल नहीं हुआ। रात को देखते हैं, अगर कोई पॉसिबिलिटी होगी देन विल ट्राई एंड मेक इट टू ऋषिकेश एंड वी कैन हैव सम फन ओवर देयर। बट फिलहाल अभी जो है हम हरिद्वार में ही हैं
और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का स्पोर्ट्स स्टेडियम, लेट मी जस्ट शो यू अराउंड। सागर कम ऑन। सो दिस इज द स्पोर्ट्स स्टेडियम। गाड़ी लॉक्ड है ना, मेरा फोन पड़ा है गाड़ी में। ये है स्पोर्ट्स स्टेडियम। नाइस प्लेस तो? हाँ इट्स अ नाइस प्लेस यार। यहाँ मैच खेलने में कितना मजा आएगा। मजा आएगा भाई, पूरी वो देख रहा हूँ सीढ़ियाँ बनी हुई है बैठने के लिए स्पेक्टेटर्स के लिए। और व्यू देखो सामने। सोचा था हरिद्वार में ऐसा कुछ भी मिलेगा, नहीं सोचा था इतना फैंसी सिस्टम। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। इट्स अ रियली नाइस स्टेडियम। मन तो मरा कर रहा है कि यहाँ पे ना अभी इस पिच पे क्रिकेट खेल ले जाए। रनिंग चल रही, फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट भी तो खेल रहे हो। इट्स अ रियली नाइस प्लेस यार। बढ़िया है यार माहौल तो। पूरा फॉरेस्ट है यार पीछे। मैच भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, धर्मशाला वाली फीलिंग है इसकी, है ना? पार्किंग में भी पूरी धर्मशाला वाली फीलिंग है। अगर थोड़ा स्पेशियस होता ना, थोड़ा सा बना हुआ स्पेशियस तो है, मतलब थोड़ा और बड़ा होता, कवर होता, थोड़ा पीछे से स्क्रीन शॉट टून शॉट लग जाए तो उतना ही बड़ा स्टेडियम। सो इट्स ऑलमोस्ट 7 नाउ, तो क्या करा जाए, निकला जाए यहाँ से? या लेट्स यस चलो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। बंदी बाकी यहाँ से पीछे की तरफ भी BHL के सब वही हैं। कहाँ पे? इधर इसके पीछे की तरफ। इधर की तरफ कॉलोनीज है, मतलब BHL की है, प्राइवेट कुछ नहीं है यहाँ, जो है सब BHL ही है। अच्छा हाँ, पूरा रहने वहने का। तो गाइस हम जब देहरादून से आए थे तो हम एक्सेस में आए थे और हरिद्वार में जो है हमने अपनी गाड़ी उठा ली है और अब हम घूमेंगे थोड़ा गाड़ी में, एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स गो। चलो भाई लेट्स गो। सीन अभी का ये है, अभी मैं हरिद्वार में ही हूँ। ऋषिकेश का तो प्लान अभी हमारा ऑलमोस्ट कैंसल्ड ही है बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है वहाँ पे उस ऋषिकेश वाली रोड पे। बाकी देखेंगे रात को 10:30-11 बजे के अराउंड विल ट्राई कि अगर वहाँ पे हो सकेगा तो पॉसिबल वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। बाकी फ़िलहाल तो अभी मैं गाड़ी के अंदर ही हूँ एंड आई एम वॉचिंग IPL। गुजरात एंड राजस्थान का IPL का फाइनल मैच चल रहा है अभी, तो राइट नाउ तो आई एम जस्ट वॉचिंग दैट। बाकी गाड़ी में ही घूम रहे हैं अभी हम हरिद्वार में ही, और वो रहा सामने सुपर टेक द पेंटागन मॉल। लेट मी जस्ट शो यू। तो सीन तो अभी का यही है, अभी तो हम मैच ही देखेंगे गाड़ी में घूमते घूमते इंजॉय करते हुए, और उसके बाद जो भी होगा I will let you know। बर्थडे है, बहाना भी है। हाँ हाँ बर्थडे है भाई तुम्हारा, सब बर्थडे। सेटिंग घूम तो रहा हूँ। क्या है बर्थडे भाई? बियर है यार। भैया बटलर आउट हो गया ना? नहीं बटलर आउट नहीं हुआ भाई, बटलर तो खेल रहा है, वो आउट हो गया। वो है यशस्वी जायसवाल, बटलर होने वाला था यार। इसका जुगाड़ करो यार इस पे लगाने का भाई। राशिद खान आ गया बॉलिंग पे, चौका। क्या खा रहे हो सागर भाई? गोला 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 खा रहे हो? बर्फ का। कहाँ पे हो भैया? मैं हूँ इस वक्त हरिद्वार में, कंकल में। ये अंकल हमारे बहुत पुराने हैं, 12-15 साल से गोला यहाँ पे लगा रहे हैं। अच्छा। इनके पास आइए। अच्छा। और बहुत अच्छा गोला बनाते हैं। ठीक है जी, एक बार अपना नाम बताओ प्लीज दोबारा से। राजेंद्र सैनी। राजेंद्र सैनी अंकल का नाम, और अंकल गोला बना रहे। बनाओ अंकल, बढ़िया अंकल। बर्फ घिस रहे हैं गोले के लिए। ओहो हो अंकल, कितने रुपए का दे रहे हो गोला? कितने रुपए का है गोला अंकल? 10 रुपए का। और ये जगह कौन सी है? रामदेव की पुलिया। रामदेव की पुलिया पे है अंकल की गोले की ठेली। दादू बाग सैनी गोला चुस्की। तो एनीथिंग कैन हैपन इन ट्रिपिंग विद वरुण। सागर का बर्थडे भी हो रहा है यहाँ पे एंजॉय। और सागर को देख लो आप, ही इज एक्चुअली राइडिंग दिस गोला बाइक। दिस इज TVS।
टुडे इज हिज बर्थडे एंड ही इज एंजॉयिंग full of life today. He's not clubbing, he's not going on a date, so he's riding this Gola bike on his birthday, so he wants to do something different, obviously, and he's enjoying it. So as long as he is enjoying it, that is all what matters, and I'm also enjoying along with him. So I'm going to have my Gola now, and ye dekhiye ji, diye uncle ji ne gole jo hai bilkul bekar ho gaya, badhiya tight tight char gole. Oh ho, dilli mein to milte gole. अभी गोला खाते हो यहाँ से? हाँ, रोज खाते हो? हाँ, 10 लेके जा रहे हैं, 10 पैकिंग कंकल में, कंकल में रहते हो? हाँ जी, 10 पैकिंग है, 5 लेके जा रहा, 5 दोबारा। तो ये अंकल का बेस्ट है गोला यहाँ पे, है ना? एक नंबर। अच्छा, तो ठीक है गाइस, देख लो टाइम मीठा खाओ इनका गोला, कभी भी आप हरिद्वार में आओ तो कौन सी पुलिया है? रामदेव की पुलिया पे आना, दादू बाग अंकल, और इन अंकल का गोला जरूर खाना। दिल से बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बना दिया और वो अंकल थोड़ा सा मीठा डाल दो इसमें, डालो रिफिल करो एकदम दिल से। अच्छा, यानी कि पानी डाल दिया ये, चलो चलता सही। 12 बजे टू एंजॉय इट नाउ। एक बार सिंगापुर का गाइस देख लो, वो भाई फुल साइज बारहसिंगा है तो, हाँ फुल साइज है तो, हल्के हल्के लो हल्के हल्के, सागर भाई घुमा लो घुमा लो घुमा लो घुमा लो घुमा लो, ले 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 ले, ये जो अभी बारहसिंगा आपने देखा ये फुल साइज बारहसिंगा था, तो यहाँ पे बारहसिंगा ऐसे आम घूमते हैं जैसे कुत्ते घूम रहे हो। क्या हो गया? खरगोश की स्पीड भी तो बहुत तेज होती है ना यार, मतलब बारहसिंगा हिरण खरगोश, लेकिन वाइल्ड खरगोश था वो, भी पालतू खरगोश, पालतू खरगोश थोड़ी है। बाघ आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक बार वो आता है भाई, सामने कंटी खड़ी थी अंदर जंगल में ना, परछाई सी दिखी मुझे। ये देखिए 1200 को, हाँ अब देखिए इसको लाइट भी, आजा कम ऑन बेबी। तो अभी हम जंगल से बाहर निकल के आ रहे हैं और बारहसिंगे देख लिए, और हम आ गए मेन हरिद्वार में मार्केट में। तो अभी हमने थोड़ा ब्रेक लिया है, अभी हम गोलगप्पे खाएंगे यहाँ पे। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा राजू। राजू राज सिंह। अच्छा, खिला दो गोलगप्पे भाई। मीठा लगा, सूजी वाला मीठा, आटे वाला खट्टा, खट्टा वहाँ मीठा यहाँ, दिल गया तेरा मैटर। सिला भाई, सिला भाई, सब खिल गया भाई, इसमें बलम नहीं है क्या? क्या
चले वहीं चले जंगल में। चलो गाइस गोलगप्पे खा लिए, ब्रेक ले लिया, अब दोबारा जा रहे हैं हम जंगल 12 सिंगों की खोज में। तो लेट्स गो। तो गोलगप्पे हमने खा लिए हैं और हम दोबारा जो है जंगल की तरफ रवाना हो चुके हैं 12 सिंगों की खोज में। तो जंगल अब शुरू हो चुका है। दिस इज़ चिल्ला फॉरेस्ट रेंज, हरिद्वार और ऋषिकेश के बिल्कुल बीच में पड़ती है जगह। तो लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड एनी मोर 12 सिंगास। बाघ दिख जाए तो मजा ही आ जाएगा। क्यों सागर भाई? रात के बज रहे हैं इस समय 1:19। रुको रुको यहीं खड़ा है, यहीं खड़ा, रुको रुको रुको। इस जंगल में बिल्कुल कॉमन है रात को 12 सिंगे हरिद्वार के जंगल में आपको दिखी जाएंगे। और यहाँ पे रात को सड़क में बीच में हाथी वगैरह भी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बारह सिंगा खड़ा हुआ है वहाँ पे। ये देखिए क्लीन शॉट 12 सिंगा का। एक शॉट अभी मुझसे मिस हो चुका है 12 सिंगा का, बट आई कैन नॉट मिस दिस शॉट। सागर भाई थोड़ी आगे लो, आई वॉन्ट हिम टू लुक इन टू माई जा। तो बड़ा हॉन्टेड सा लग रहा है एक्चुअली ना, हॉन्टेड एंड वाइल्ड है। इनको देख भाई, वो तो भग रहे ऐसे। लाइट आप बंद कर रहे हो क्या बार बार? अच्छा ये पूरा का पूरा घना जंगल है। लाइट बंद हो चुकी है गाड़ी की, अब जल गई है। देखो सागर भाई, लाइट मारो, लाइट मारो, इनको ले चलो, ले चलो, ले चलो। पवन बेबी शो मी योर फेस, आई जस्ट केम टू सी यू, कम ऑन, शो मी योर फेस, कम ऑन। लो आगे लो, ये रोड पे जो खड़ा है इसको दिखाओ जरा, कम बेबी। ओ भाई साहब, हाय गाइस। तो जंगल अभी हमने लिया है घूम पूरा और बहुत सारे 12 सिंगे दिखे हैं। और अभी हम आ गए हैं, अभी टाइम हो रहे हैं 3:19। और अभी हम आ गए हैं बुंडी रेस्टोरेंट वैष्णो ढाबा पे। ये दिल्ली वाले हाईवे पे है। हम जस्ट हैविंग कप ऑफ कॉफ़ी एंड देन वी आर गोइंग टू लीव।
आप कह रहे हैं भैया का रेस्टोरेंट है, अगर आप रुड़की से हरिद्वार की तरफ जा रहे हो तो पतंजलि योगपीठ से पहले, क्रिस्टल वर्ड से जस्ट पहले, क्रिस्टल वर्ड से सरोवर है, सरोवर पोर्टिको से जस्ट नेक्स्ट है, और आप आए और ट्राई करें। हमने अभी गोभी का पराठा खाया है और वो बहुत बढ़िया था, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी आएँ, जब भी आएँ भैया आए, ही विल मीट यू जस्ट। ट्रिप इन विद वरुण का नाम लोगों तो भैया आपको थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे, बिल्कुल डिस्काउंट दे देंगे। और पूरी रात खुला होता है? ऑलमोस्ट पूरी रात, 3 बजे तक खुला है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए ये लोग रेस्ट करेंगे और 7 o'clock दे स्टार्ट अगेन। 3 बजे तक खुला है, फिर थोड़े रेस्ट में 7 बजे फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है, टाइम ऑलमोस्ट जो है 3:30 हो चुके हैं और सीन अभी का ये है कि नाउ वी आर गोइंग बैक टू हरिद्वार। ऋषिकेश तो हमारा बिल्कुल ही कैंसिल हो गया क्योंकि अभी हम रात को जब ट्राई करी हमने जाने की तो बहुत ही ज़्यादा जाम था, तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ का जाने का, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार वापस सागर की जगह और वहीं पर हम रात को रुकेंगे, तो देखते हैं सुबह कितने बजे उठ पाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी यू नो 3:30 एंड बाय द टाइम यू नो वी आर गोइंग टू रीच एंड वी आर गोइंग टू स्लीप इट विल बी अराउंड 4:30। सो आई एम नॉट क्वाइट श्योर एट व्हाट टाइम वी आर एक्चुअली गोइंग टू वेक अप, बट यस एज सून एज वी विल गेट रेडी एंड वी मीट यू देन। बाय बाय, गुड नाइट। क्लोजिंग आज की हो गई है, सो इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन। I think it was a very good day, we enjoyed very much and had a very good dinner afterwards and very happy with it. So did you like, did you celebrate your, like did you enjoy your birthday? Yes, I totally enjoyed, totally celebrated. Okay, so you did like, you know, completely different things today. Yes, yes. So how was it? It was very good. Great. So chalo guys, nikalte hain ab yahan se and kal subah milte hain. Bye. Bye. Conversation.